नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने ना नाम शेयर करने के लिए मना किया, इसलिए जो इनका नाम है ना वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैंने अपनी सासू माँ से रिश्ते के लिए लव वाइब्रेशन भेजी। मेरी मम्मी बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, इसलिए मुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं नसीब हुआ। और मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी शादी के बाद में जो भी मेरी सासू माँ होंगी, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी। और मुझे पता है कि मैं उनसे इतना प्यार करूंगी कि वो भी मुझे बेटी का प्यार देने लगेंगी। लेकिन बिल्कुल ही उल्टा हुआ। मुझे यहाँ पर बेटी का प्यार तो बहुत दूर की बात है, बहू का भी प्यार नहीं मिल पाया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं अच्छी करूँ और वो उन्हें अच्छी लगी। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। और उसके बाद में मैंने आपका वीडियो देख करके ही लव वाइब्रेशन करनी शुरू की और अपनी सासू माँ को बहुत ही प्यार से मैंने लव वाइब्रेशन भेजी। मेरा दिल जानता है कि जब मैं लव वाइब्रेशन भेजती थी तो मैं शुरू के 5 दिन सिर्फ रोई हूँ, और रो रो करके मैंने कमेंट्स भी लिखे हैं। मुझे बहुत सारे आपके कॉमेंट सेक्शन में हेल्प की गई है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की और मुझे यही हर जगह से जवाब मिलता रहा कि सब कुछ ठीक होगा, यानी कि हीलिंग हो रही है, कंटिन्यू करो। और यही सुन करके मैं खुश हो जाती और लव वाइब्रेशन करती रहती। मैंने अपनी सासू माँ को बहुत दिनों तक लव वाइब्रेशन भेजी। मैं डेज और मंथ काउंट करके नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कब छोड़ा मुझे सच में पता नहीं। और जब मैंने छोड़ा उसके बाद से ही कुछ टाइम के बाद मैंने फील करना शुरू किया मेरी अच्छी चीज़ों की वो खुद ही तारीफ करने लगी हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी बातों की वो तारीफ करने लगी हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें मुझ में कभी भी पसंद नहीं आएंगी, और वो मेरे सेल्फ लव का हिस्सा थी। मैं अपने आप से जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब मेरी सासू माँ को वो सारी चीज़ें मुझ में पसंद आने लगी थी जो 1.5 साल की शादी में कभी भी पसंद नहीं आई थी। सच में दीदी, मुझे लव वाइब्रेशन ने बहुत ज़्यादा मदद करी है और मेरा और मेरी सासू माँ का रिश्ता अब बहुत अच्छा हो गया है। अब तो ऐसा हो गया है कि कोई भी हम दोनों को एक साथ देखता है तो कभी नहीं कहता कि हम सास बहू हैं। वो यही बोलते हैं कि तुम दोनों का प्यार ऐसा है जैसे कि माँ बेटी का प्यार हो, और सच में वैसा ही है। मैंने जैसा सोचा था, जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, मुझे अब माँ मिल गई है। और वो माँ कमाल की बात यह है कि मुझे ससुराल जाने के बाद मिली है। अब मुझे यहाँ से विदा हो करके अपनी माँ को छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा। और मैंने बोला है अपनी सासू माँ को कि आप भी लव वाइब्रेशन करो, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के साथ उनके यंग टाइम से ही रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और मैंने उनको सब कुछ बताया और अब वो फॉलो कर रही हैं। उन्हें भरोसा है कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं और मेरे लिए उनके दिल में प्यार जग गया है, जो कि जगना इम्पॉसिबल था, ये उनका खुद का कहना है, और अगर ये ऐसे काम कर गया है तो ज़रूर उनके और मेरे पापा के रिश्ते में भी वो काम कर जाएगा जो कि वो पिछले 20 साल से सेपरेट रह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी दी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। चलिए, एक मम्मी को डॉटर मिल गई, डॉटर को मम्मी मिल गई, और वो डॉटर को वहां से विदा भी नहीं होना क्योंकि उनको ससुराल में मम्मी मिल गई है ना। और आपकी मम्मी को भी अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनको भी अपनी ऐसी बेटी मिल गई जिसको अब कहीं पर भी नहीं जाना है। जाती तो खैर बेटियां भी नहीं है, डिपेंड करता है कि वो कितना जुड़ी हुई है। कायदे से जुड़ी तो बेटियां होती ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन मजे की बात यह कि हमारे पास ना दो दो परिवार हो जाते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों के पास ही दो परिवार हो जाते हैं ना। लेकिन इसमें मैं मीडिया का सबसे बड़ा रोल कहूंगी, जहां पर सास विलन ही है, और अगर सास बहुत अच्छी है तो बहू विलन है, मतलब कोई एक अच्छा नहीं हो सकता। और दोनों रिश्ते तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, ये मीडिया ने हमें सिखाया है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई कि सचमुच में जहां पर बहू का प्रॉब्लम है वहां सास सही है, जहां सास सही है वहां पर बहू का प्रॉब्लम है। तो आई थिंक हमें ऐसी चीजों को कंज्यूम करने से बचना चाहिए और रिश्तों के अंदर प्यार घोलना चाहिए। तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपके लिए। इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजा है, टाइम पीरियड इनको खुद याद नहीं है इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि अपने आप ही वो चीज छूटी। वो अपने आप भी छूटने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपकी हीलिंग हो जाती है तो उस चीज़ की अब जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो अपने आप ही आपको जो डिवाइन एनर्जी है हेल्प करती है कि छोड़ दो, अभी हो गया है ना।
उसके बाद आप देखते हैं कि वहां से जो चीजें हैं वो ठीक होनी शुरू हुई हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ है। कंग्रेचुलेशंस, हम बहुत 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 खुश हैं आपके खूबसूरत रिश्ते के लिए आपकी मदर के साथ। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।